ये फाइल टीवी की स्टोरेज में डिलीट की और हो गई, लेकिन जो फाइल यूएसबी स्टोरेज में है ये डिलीट करते हैं तो नहीं होती है, फेल्ड दिखाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पुराने एंड्रॉयड है उसमें एक्सटर्नल स्टोरेज से फाइल डिलीट करने की परमिशन नहीं होती थी, लेकिन हम इस परमिशन को अलग से इंस्टॉल भी कर सकते हैं इन चार स्टेप्स में। सेकेंड वाला स्टेप थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो आपको जरूरत होगी दो चीजों की, एक तो SDFix ऐप की और दूसरा आपको रूट करना होगा। तो स्टेप वन, SDFix ऐप को अपने स्मार्ट टीवी में इंस्टॉल करो। सेकेंड, आप ये वाला वीडियो देख के अपने स्मार्ट टीवी को रूट कर लें। स्टेप थ्री, जिस ऐप से आपने स्मार्ट टीवी को रूट किया है वहां जाके SDFix ऐप को अलाउ कर दे रूट एक्सेस। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको रूट वाले वीडियो में मिल जाएगी कैसे अलाउ करते हैं। स्टेप फोर, SDFix ऐप को ओपन करो, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करो और कंटिन्यू पे क्लिक करो। अगर ये फेल्ड दिखाता है इसका मतलब आपने रूट एक्सेस अलाउ नहीं किया है, तो उसको वापस से जाके कर दो और इस बार जैसे ही आगे करोगे ये कंप्लीट दिखा देगा। तो अब ये एक्सेस मिल चुका है, जैसे ही हम एक्सटर्नल स्टोरेज में जाके ये फाइल डिलीट करने की कोशिश करते हैं और ये हो जाती है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।